जो दोस्त हैं बाकी सब ना, तो वो सभी यहीं पे आ रहे थे, यहीं से चलते हैं सभी लोग मिलकर सलोड़ी में, वहीं पे पेपर दिया जाएगा इकट्ठे, तो अभी वो सभी यहीं पे आ रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द अंदर ब्लॉग। तो अभी तो सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं स्टेशन पे, क्योंकि आज से मेरा ग्रेजुएशन का जो है ना पेपर स्टार्ट हो गया है। तो अभी तो चलते हैं इलाहाबाद, वहाँ से पेपर देना है। और यहाँ पर जाने के एक और रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अपने यहाँ नेट को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे जो अग्निपथ का जो स्ट्राइक चल रहा है, लड़के सब यहाँ पे ट्रेन वगैरह को फूंक दे रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पूरा ना नेटवर्क को ही बंद कर दिया गया है, तो इसकी वजह से भी जाना पड़ रहा है। तो अभी तो चलते हैं स्टेशन पर। अभी तो आ चुके हैं स्टेशन पर, और ये स्ट्राइक करने वाले लोग थे, इसी में आग लगा दी थी, इसी वजह से इस गाड़ी को यहीं पर पार्क किया गया है। तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अभी तो हम स्टेशन पे आ चुके हैं, जल्दी टिकट लेते हैं, फिर उसके बाद बैठते हैं। अभी तो आधे घंटे इंतजार करना है यहाँ पर। तो अभी तो टिकट कटा चुके हैं, अभी यहीं पर बैठे हुए हैं, और अभी गाड़ी का अभी लगभग 20 से 25 मिनट बाद आएगी। तो अभी तो यहीं पर वेट करते हैं गाड़ी का। और यहाँ पर जो है ना कि आज बहुत ज़्यादा मात्रा में फोर्स को बढ़ा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ दिन पहले हंगामा हुआ था, सब GRP वगैरह वाले का जो गाड़ी वगैरह था, सब फूंक फाक दिए थे, गाड़ी को ट्रैक पर फेंक दिए थे, इस तरह का पूरा हंगामा हुआ था। इसी वजह से आज बहुत ज़्यादा फोर्स है, हम मतलब कि विदाउट टिकट वाले को एकदम एंट्री नहीं होने दे रहे स्टेशन पे, इतना स्ट्रिक्ट है रूल। तो अभी तो अपनी ट्रेन आ चुकी है, यही है अपनी ट्रेन, चलते हैं इसमें बैठते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो अभी तो हम इलाहाबाद स्टेशन उतर चुके हैं, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया वगैरह। तो अभी तो हम इलाहाबाद उतर चुके हैं, अभी यहाँ से चलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं और चलते हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी। तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से चलेंगे फिर जहाँ पे ऑनलाइन सेंटर बना है, तो वहाँ पर चलेंगे पेपर देने। तो अभी तो चलते हैं पहले तो यूनिवर्सिटी, यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं तो फिर चलते हैं। तो अभी तो आ चुके हैं लल्ला चुंगी के पास, और यहीं पे आ चुके हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाने से कोई मतलब है नहीं। जिसके साथ पेपर देना था ना, जो और लोग आ रहे हैं, जो दोस्त हैं बाकी सब ना, तो वो सभी यहीं पे आ रहे थे, यहीं से चलते हैं सभी लोग मिलकर सलोड़ी में, वहीं पर पेपर दिया जाएगा इकट्ठे। तो अभी वो सभी यहीं पर आ रहे हैं, इन लोग का वेट कर रहे हैं और फिर आते हैं, तो फिर चलते हैं यहाँ से। तो अभी तो आ चुके हैं रूम पर, जहाँ पर सभी लोग मिलकर पेपर दे रहे हैं। तो अभी तो यहीं पर आ गए हैं रूम पर, और अभी कम से कम एक घंटा समय बचा है पेपर स्टार्ट होने में। तो अभी तो, और इधर बारिश भी होने लगा, अभी तो मस्त बारिश का आनंद ले रहे हैं, अभी बाहर ही बैठे हुए हैं। तो अभी तो पेपर खत्म हो चुका है, अभी चलते हैं यहाँ से फिर ट्रेन पकड़ते हैं। अभी तो आ गए हैं ऑटो पे बैठे हैं, अभी चलते हैं छिपकी स्टेशन, वहीं से ट्रेन पकड़ेंगे, क्योंकि इलाहाबाद जंक्शन से ट्रेन मिल नहीं रही है। सब जितनी भी ट्रेनें वो सभी कैंसिल हो चुकी हैं, क्योंकि स्ट्राइक की वजह से, अग्निपथ पे स्ट्राइक इतना तेज़ हो रहा है कि पूरा ट्रेन मतलब वहीं हो गया, रिशेड्यूल हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो अभी तो चल रहे छिपकी स्टेशन, वहाँ से ट्रेन है तो वहाँ से पकड़ लेंगे। So what if you, what if you, what if you've been sitting there and thinking all this time? Oh, oh, oh. What's your mindset? Been telling you, telling you, telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Right now. तो अभी तो आ चुके हैं छिपकी स्टेशन पर, और यही है छिपकी स्टेशन। तो अभी तो टाइम हो रहा है 7:04 हो रहा है। तो अभी चलते हैं स्टेशन के अंदर, बैठते हैं, वेट करते हैं ट्रेन का। तो अभी तो प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, यहीं पर बैठ रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं, अभी कम से कम 10 मिनट और लगेगा ट्रेन को आने में। तो अभी तो वेट कर रहे हैं यहीं पर। तो अभी तो अपनी ट्रेन आ चुकी है, अभी टाइम हो रहा है 8:02, क्योंकि काफ़ी देर यहाँ पर वेट करना पड़ा, लगभग 1 घंटा हम यहाँ पर वेट किए, तब अभी जाकर ट्रेन आ रही है, ठीक ना। तो यहीं अपनी ट्रेन आ चुकी है, अब चलते हैं इसके अंदर बैठते हैं, उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। तो देख रहे हैं कैसे ये लोग पार्सल फेंक रहे हैं बाहर, अनलोडिंग इसी तरह होता है रेलवे का। तो अभी तो जगह मिला नहीं, अभी गेट पे ही खड़े हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है तो कहाँ से जगह मिलेगा।
तो अभी तो उतर चुके हैं स्टेशन पे और काफी ज्यादा पूरा थकान थकान हो गया, क्योंकि अभी बज रहा है 6:06 हो रहा है, तो तकरीबन 4 घंटा लग गया प्रयागराज से यहाँ पे आने में। पूरा खड़े खड़े आए, पूरा पैर फट रहा है। तो अभी तो चलते पहले स्टेशन से बाहर, और पापा और भैया आए हैं लेने के लिए, तो बाइक से आए हैं। तो अभी क्योंकि इतना रात में साधन नहीं मिलता, बस एक नज़र।